हेलो दोस्तों, आपने आजकल काफी चर्चा में चल रही मूवी दी कश्मीर फाइल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। जो हो सकता है आपने यह मूवी देख ली हो या देखने का सोच रहे हो, तो उससे पहले यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे इस मूवी से जुड़े ऐसे रहस्य जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस मूवी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो चलिए आपको थोड़ा इस मूवी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यह मूवी एक रियल स्टोरी पर निर्धारित है, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ हुए दिल दहला देने वाली घटना को हमारे सामने लाया गया है। इसके बारे में हम में से बहुत लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन इस मूवी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। चलिए आज हम जानते हैं आखिरकार इस मूवी से कश्मीरी पंडितों पर क्या असर पड़ा। जिस मुद्दे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, उस मुद्दे को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया इस मूवी के जरिए। हम आपको बताएंगे इस मूवी से जुड़े हुए कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन, मूवी के बारे में पब्लिक के रिव्यूज, आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं, क्या कहा पीएम मोदी ने इस मूवी के बारे में, कपिल ने क्यों किया इनकार द कश्मीर फाइल्स की प्रमोशन के लिए, आम जनता के साथ हो रहा है स्कैम द कश्मीर फाइल मूवी के नाम पर, कश्मीर में यह घटना क्यों और कब हुई, इन बातों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स एक मूवी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप और मूवी की तरह इस मूवी को देखकर एंजॉय करेंगे, तो भूल जाइए, क्योंकि आप गलत हैं। दोस्तों, द कश्मीर फाइल मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि दुनिया से छुपाई गई एक सच्चाई है, जिसे सामने लाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया था। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जी बहुत ही हिम्मत से हमारे सामने इस फिल्म के जरिए एक सच्चाई लेकर आए हैं, जिसके बारे में पूरे देश को पता होना चाहिए। पब्लिक रिव्यू, अगर हम इस मूवी के बारे में पब्लिक का रिव्यू बताएं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने इस मूवी को देखा, वो इस स्टोरी को भूल नहीं पा रहे हैं। लगी था कश्मीर फाइल, इसको मूवी बोलना बंद करो आप, ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की। आपको मूवी देखते हुए मूवी में हो रही हर हरकत फील होगी, और आपको महसूस होगा जैसे आप कश्मीर की धरती पर ही हो। रियल लाइफ में घटित ऐसे ऐसे सीन इस मूवी में देखने को मिलेंगे, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब हमें लगता है कि हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं। फिर भी आपको बता दें, यह 2-3 घंटे की मूवी आपकी पूरी लाइफ बदल कर रख सकती है। यह मूवी आपको इंसानियत और हैवानियत के बीच का फर्क महसूस करवा देगी। यह मूवी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए क्यों कोई आगे नहीं आया, क्यों अभी तक कश्मीरी पंडित अपने घर जाने के लिए तरस रहे हैं। पूरी स्टोरी जानने के लिए फिल्म जरूर देखिए। अगर आप कश्मीर में हुई इस घटना के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको हमारे चैनल में वीडियो मिल जाएगी, जिसमें डिटेल में बताया गया है यह सिलसिला कब शुरू हुआ और क्या क्या लोगों के साथ जुल्म हुए। आइए जानते हैं क्या कहा पीएम मोदी ने इस मूवी के बारे में। बीजेपी के सांसद दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द कश्मीर फाइल मूवी पर बयान देते हुए कहा कि कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्मों से ही समाज में सच सामने आता है और लोगों को सच्चाई का पता होना बहुत जरूरी है। मोदी जी ने आगे कहा, लंबे समय से जिस सच को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो सबके सामने लाया जा रहा है। इस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी कोशिश लग गई है, पूरी कोशिश। पीएम मोदी जी ने कहा, लोग सच छुपाने की कोशिश करते थे, वो आज इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने द कश्मीर फाइल्स मूवी की टीम से मुलाकात की और मूवी की काफी तारीफ भी की। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनाई गई यह फिल्म लगातार लोगों की भावनाओं से जुड़ती जा रही है। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2015 में कश्मीरी पंडितों को 2000 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा भी की थी। हालांकि इतने सारे कश्मीरी पंडितों का इससे कुछ ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प करने की एटलीस्ट कोशिश तो की। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कपिल शर्मा ने क्यों कर दिया कश्मीर फाइल्स की प्रमोशन करने से इनकार। विवेक अग्निहोत्री जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कपिल को लगता है कि उनकी फिल्म में कोई बड़ा एक्टर नहीं है, इसलिए हमारी फिल्म की प्रमोशन नहीं करना चाहते। जब यह बात लोगों को पता चली, तो वो कपिल पर भड़कने लगे। जब लोग कपिल के खिलाफ काफी बुरा भला कह रहे थे, तो एक शख्स ने कपिल के खिलाफ ट्वीट करते हुए कहा, द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से घबराहट क्यों? किस बात का डर था जो विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम की स्टार कास्ट को आपने शो पर न्योता नहीं दिया? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था भाई, लेकिन आपने मुझे और अपने लाखों फैंस को निराश कर दिया है, आपका बायकॉट करता हूं। इस पर कपिल शर्मा ने जवाब देते हुए कहा, यह सच नहीं है, आपने पूछा इसलिए बता दिया, बाकी जिन्होंने सच मान ही लिया है उनको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है। एक अनुभवी सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के रूप में बस एक सुझाव देता हूँ, आज के सोशल मीडिया की दुनिया में कभी भी एक तरफा कहानी पर विश्वास ना करें। धन्यवाद।
कपिल शर्मा का कहना है कि विवेक अग्निहोत्री जी ने जो कहा वो पूरी तरह सच नहीं है। फिर उसके बाद अनुपम खेर जी ने टाइम्स नाउ में इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि कपिल ने सिर्फ उन्हें ही कश्मीर फाइल्स की प्रमोशन के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने शो में जाने से मना कर दिया। क्योंकि कपिल का शो एक कॉमेडी शो है, द कश्मीर फाइल्स एक सेंसिटिव फिल्म है, इसीलिए अनुपम खेर जी द कश्मीर फाइल्स की प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के पास नहीं जाना चाहते थे। यह सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री जी ने उसी शो में कहा क्योंकि वे बड़े स्टार नहीं थे, इसलिए कपिल ने उन्हें अपने शो में न्योता नहीं दिया। इसके बाद कपिल ने इस इंटरव्यू का वो वाला हिस्सा ट्विटर पर शेयर कर दिया जिसमें अनुपम खेर जी ने कहा था कि कपिल ने मुझे शो पर बुलाया था लेकिन मैंने ही मना कर दिया। कपिल ने अनुपम खेर जी को टैग करते हुए कहा, आप सच सामने लाए, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन कपिल ने यहाँ विवेक अग्निहोत्री वाला हिस्सा शेयर नहीं किया, जिस कारण अनुपम खेर जी क्लिप को देखकर रिप्लाई में कहते हैं कि डियर कपिल शर्मा, काश आपने आधा सच नहीं बल्कि पूरा सच पोस्ट किया होता। सारी दुनिया जश्न मना रही है, आज की रात तुम भी जश्न मनाओ। तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार और प्रार्थनाएं। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, कौन सही है और कौन गलत, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द कश्मीर फाइल्स को लेकर हो रहे स्कैम के बारे में। दोस्तों द कश्मीर फाइल मूवी कितना ट्रेंड में चल रही है ये तो आप जानते ही हैं। हर व्यक्ति थिएटर में जाकर मूवी देख नहीं पा रहा क्योंकि थिएटर्स फुल हो चुके हैं, थिएटर्स के बाहर भीड़ लगी पड़ी है। इस बात का स्कैमर्स फायदा उठा रहे हैं और स्कैमर्स लोगों के साथ लगातार स्कैम करके उनका पैसा चोरी कर रहे हैं। दोस्तों लोगों को ठगने के लिए बहुत से स्कैमर व्हाट्सएप पर स्कैम कर रहे हैं और वो स्कैम में वो लोगों के साथ एक लिंक शेयर करते हैं जिस पर क्लिक करना है उन्हें, और जब भी लोग उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो इससे उनके लैपटॉप या उनके फोन में मैलवेयर आ जाता है। उसके बाद ये मैलवेयर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डेटा को हैकर्स के पास पहुंचा देता है, जिससे कि आपके साथ पैसों की ठगी भी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में 3 लोगों के साथ 30 लाख की ठगी इसी लिंक के कारण हो चुकी है। आपको यह लिंक किसी ने भी शेयर किया हो, चाहे फ्रेंड्स या रिश्तेदारों ने, पर इस लिंक पर आप क्लिक ना करें क्योंकि इससे आपका काफी नुकसान हो सकता है। और इस स्कैम के बारे में आप अपने पेरेंट्स और अपने परिवार को बताना मत भूलिएगा। दोस्तों द कश्मीर फाइल्स मूवी 25 करोड़ के बजट में तैयार की गई है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस मूवी ने 100 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया। अगर इस मूवी की 10 दिनों के कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों वो 170 करोड़ हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मूवी को पहले दिन सिर्फ 630 स्क्रीन पर ही रिलीज किया गया था, लेकिन दर्शकों को यह मूवी इतनी पसंद आई कि आज ये 4000 से भी ज्यादा स्क्रीनों पर चल रही है। दोस्तों अगर यह मूवी इसी स्पीड से चलती रही तो कोई शक नहीं कि बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है मूवी। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो एक बार आपको यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों देश भर में दी कश्मीर फाइल्स फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। देश में कई जगहों पर तो लोग कश्मीर फाइल्स के नाम पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं। जो व्यक्ति शॉप पर जाकर दी कश्मीर फाइल्स की टिकट दिखाता है उसे 20-40 यहां तक कि 50% तक डिस्काउंट भी दिया जाता है। इससे पहले शायद ही कोई मूवी को इतना प्यार मिला हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।